द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन के जंग के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। यमन ने जो जंग का ऐलान इजराइल के खिलाफ किया था, अब उस जंग में काफी तेजी आ गई है। खबर यह मिल रही है कि यमन ने अपने फाइटर जेट उड़ा दिए हैं। फाइटर जेट ने उड़ान भर ली है और इजराइल के खात्मा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए आप, ये यमन के फाइटर जेट हैं। एक साथ कई फाइटर जेट ने उड़ान भर ली है और मकसद साफ है, इजराइल का खात्मा। इजराइल के हालत एकदम से खराब कर देने के लिए कई संगठन इस वक्त एक साथ आ चुके हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए, आसमान में देखिए सिर्फ कि कैसे कितने सारे फाइटर जेट उड़े हैं, और ग्राउंड पर भी जो यमन के ऑफिशियल्स हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि इस युद्ध को और बड़े स्तर पर ले जाना है ताकि फिलिस्तीनियों को उनका हक मिल सके। फिलिस्तीन के समर्थन में इस वक्त तमाम इस्लामिक कंट्रीज हैं और यमन के हूती ने भी जंग का ऐलान कर फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है। इससे पहले लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी और सीरिया ने भी, ईरान ने भी, इराक ने भी, कई ऐसे देश हैं जो मिलकर फिलिस्तीन के लिए जंग लड़ रहे हैं और इजराइल हर मोर्चे पर अकेला पड़ रहा है, क्योंकि जिस पर उसे सबसे अधिक भरोसा था अमेरिका, उसने भी इजराइल का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि हथियार कम ही सही लेकिन उपलब्ध करा रहा है, लेकिन स्थिति यहां पर यह है कि इजरायली सेना की कमर लगातार टूटती जा रही है। हमास के लड़ाकों ने तो मुंह तोड़ जवाब ही दिया है, अब यमन ने जंग का ऐलान कर उनके पसीने छुड़ा दिए। जरा सा इस वीडियो में देखिए वहां कैसी तैयारी है। तो देख लिया आपने, इससे साफ हो जाता है कि नेतन्याहू के लिए आसान नहीं है हमास के साथ जंग लड़ना। फिलिस्तीन का खात्मा कर देने का ख्वाब देखना अब नेतन्याहू के लिए काफी भारी पड़ने जा रहा है। इस संबंध में एक रिपोर्ट देखिए कि जब यमन के हूतियों ने इस बड़े जंग का ऐलान किया था तो उससे पहले इजराइल पर उन लोगों ने काफी बमबारी की थी, मिसाइल दागे थे, रॉकेट छोड़े थे। यहाँ लिखा गया है, आज तक के द्वारा हमास, इस्लामिक जिहाद हिजबुल्ला और तालिबान के बाद अब एक और विद्रोही गुट ने इजराइल के खिलाफ किया जंग का ऐलान। जानिए हूती विद्रोहियों की ताकत। हूती विद्रोही को भी ईरान का समर्थन मिलता है। ईरान ऐसे देशों की खूब मदद करता है जो इजराइल का दुश्मन है। यहां पर बताया जा रहा है कि तीन मोर्चों पर जंग लड़ रहे इजराइल के सामने इस मिसाइल हमले को नई चुनौती मानी जा रही है। इजराइल से करीब 2200 किलोमीटर दूर यमन से विद्रोही संगठन हूती ने ये मिसाइलें दागी हैं। ईरान समर्थित संगठन हूती का दावा है कि उसने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। रिपोर्ट सिर्फ इतनी नहीं है, इस संबंध में हम आपको कुछ और खबरें दिखाते हैं कि यमन किस कदर तैयार बैठा था कि बस आदेश मिले और हूती सरकार के सिग्नल मिलते ही यमन ने इजराइल पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 ने लिखा भी है कि चौतरफा घिरा इजराइल, हमास के बाद अब ईरानी संगठन ने की बमबारी, ताबड़तोड़ दागे ड्रोन और मिसाइल। और डिटेल में जरा देखते हैं कि यमन ने किस कदर इजराइल के होश ठिकाने लगाए हैं। तल अबीब से खबर आई थी कि हमास से जंग लड़ रहा इजराइल चौतरफा गिरता जा रहा है। न केवल हमास बल्कि हिजबुल्लाह से लेकर हूती तक इजराइल पर हमले कर रहे हैं। ईरानी संगठन हूती ने एक बार फिर इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बरसात कर दी। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी इजराइल के खिलाफ सिलसिलेवार हमलों की जिम्मेदारी ली है। यह जानकारी मीडिया की खबरों में दी गई। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार संगठन के प्रवक्ता यामहात सरिया ने कहा कि हवाई हमले में ड्रोन के साथ साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी कि ये हूती बहुत ताकतवर हैं। ईरान से समर्थन तो मिलता ही मिलता है और हूती सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद स्वीकार रहे हैं कि हाँ, यमन के ड्रोन, यमन के मिसाइल इजराइल पर हमला कर रहे हैं। और यह सब कुछ अगर हुआ भी है तो यमन के लोगों की मांग पर हुआ है, क्योंकि यमन के लोग इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन के हमास को ताकत मिले इसके लिए कई संगठन उनके समर्थन में खड़े होकर इजराइल से जंग लड़ने पर उतारू हो गए हैं। यहां जो आगे जानकारी दी गई है
ये देखिए, ये न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि ईरान समर्थित संगठन हूती के प्रवक्ता सरिया ने कहा कि इसराइल के खिलाफ यह ऑपरेशन यमनी लोगों की मांग पर किया गया था। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के अनुसार सरिया ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से इसराइल के खिलाफ संगठन द्वारा किया गया यह तीसरा हमला था और मिसाइलों और ड्रोन के साथ इसराइल के खिलाफ आगे भी हमले करने की कसम खाई है। यानी कि इन लोगों ने जो कसम खाई है तो अब जंग को ये आगे बढ़ाते रहेंगे। हालांकि जो यह जंग का प्रारूप है काफी बड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। अब इसराइल एक मोर्चे पर कमजोर है, भले ही यूरोप उनका साथ दे, लेकिन जिस तरीके से इस्लामिक देश और इसके अलावा उन देश में पल बढ़ रहे संगठनों ने हमास का साथ देकर इसराइल के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, तो फिर इसराइल के लिए इन सबसे निपटना आसान भी नहीं है। ये हूती विद्रोही है कौन, कैसे इतना बड़ा बवाल काट रहे हैं, इतनी ताकत कैसे आती है, इस संबंध में जरा अपने स्क्रीन पर न्यूज 18 की रिपोर्ट देखिए। बताया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था और देश के बड़े हिस्से को नियंत्रित किया था। वे हमास के साथ इसराइल के खिलाफ प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा हैं। उसे तेहरान का भी समर्थन प्राप्त है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार हूती विद्रोहियों ने इसराइल को धमकी दी है कि गजा पर हमले नहीं रोके तो इसराइल पर अभी और भी मिसाइल और ड्रोन से बमबारी होंगे। ये चेतावनी दी गई है और देखिए अब तो फाइटर जेट तक खोल दिए गए हैं। यह फाइटर जेट इसराइल में तबाही मचाकर ही लौटेगा, ऐसा यमन ने भी ऐलान कर दिया है। यह जंग एकदम से बड़ी होती जा रही है। इस संबंध में आपको एक फुटेज और देख लेना चाहिए कि कैसे इसराइल के एलियट शहर में यमन ने बॉम्बिंग की है और यहां पर बम के धमाके और आग की लपटें इस विजुअल में आप देख सकते हैं। यह तस्वीर बयां कर रही है कि इसराइल की बर्बादी के लिए अब कई देश एक साथ खड़े होकर वहां तबाही का मंजर दिखाने वाले हैं। लेकिन ऐसे में इसराइल के नेतन्याहू के पास विकल्प यही है कि वो फिलिस्तीन को हक दे दें और इस जंग को थम जाने दें, नहीं तो यह जंग कितने देशों की बर्बादी लाएगा, कितने नागरिकों को बेमौत मार देगा और आर्थिक जो व्यवस्था है पूरी दुनिया भर की चरमरा जाएगी। यह सब नेतन्याहू को सोचना समझना होगा। चलते चलते जरा आज तक की भी रिपोर्ट देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि हूती विद्रोहियों के निशाने पर इजरायली शहर हैं। कहा जा रहा है कि यमन में ईरान सरकार द्वारा समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइल लॉन्च की थी। इस मिसाइल का टारगेट इजरायल का दक्षिण शहर एलियट था। IDF ने कहा कि मिसाइल के अलावा हम पर ड्रोन हमले भी किए गए। लाल सागर क्षेत्र से ड्रोन हमले किए गए जिन्हें नष्ट कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हूती के एक अधिकारी ने बताया कि इजरायल में ड्रोन भेजे गए थे। हूती सरकार के प्रधानमंत्री अब्दुल अजीज बिन हैबचूर ने कहा कि ये ड्रोन यमन के हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा दागा गया। यानी कि यह हमला काफी बड़ा है। अब इजराइल समझे कि इस जंग को और आगे बढ़ने देंगे या फिर ऐसे देश जो एकजुट होकर अब इजराइल को खत्म करने पर आमादा हैं उसमें वो जंग लड़ते रहेंगे। रास्ता तो निकालना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान देश की दुनिया की जनता को ही इस युद्ध से होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।